यूपी के श्रावस्ती में राजनीति में आया भूचाल, सैकड़ों लोगों ने सपा बसपा छोड़कर थामा भाजपा का हाथ। विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को दिलाई गई भाजपा की सदस्यता। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को चंद दिन ही बचे हैं और उससे पहले ही सपा और बसपा को यूपी के श्रावस्ती में तगड़ा झटका लगा है। श्रावस्ती में सपा और बसपा के कट्टर समर्थक जनप्रतिनिधियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी को गद्दार और धोखेबाज पार्टी बताते हैं ग्राम प्रधानों ने आज भाजपा की सदस्यता ले ली, जिसमें करीब 4 गांव के प्रधान और कई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि मोदी और योगी के जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भाजपा की सदस्यता ली है। आज श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर लोकसभा जिला प्रभारी शिव नायक, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, भाजपा अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी और जिला महामंत्री ने 78 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसका फायदा भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली सरकार है। आज जनपद में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। इस दौरान प्रधान समघड़ा छब्बन खान, कुणरी दीगर प्रधान, कोलाभार प्रधान, मचगवा प्रधान, महादेव जगदीश प्रधान समघड़ा, 3-4 क्षेत्र पंचायत सदस्य, कई महिलाएं, व्यापारी आदि लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। श्रावस्ती में आज इस कार्यक्रम के बाद विपक्षी पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। भारी तादाद में सम्मानित लोगों ने पहुंचकर भाजपा का हाथ थामा, उनका फूल मालाओं और मटका पहनाकर स्वागत किया गया। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी कौन से गांव से भाई? मटखनवासी सर। मटखनवासी कौन है? अच्छा, आज आप लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। यस सर। क्या वजह रही कि आप लोग भाजपा में चले गए, बाकी किसी पार्टी में नहीं गए? हम लोग सर मोदी योगी के सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसी परिवार में हम लोग ज्वाइन हैं। कितने महिलाएं हैं मतलब यहाँ पर? 2 दर्जन महिलाएं हैं सर, तो हम लोग सब बहुत अच्छे परिवार हैं, मोदी योगी उसी में हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अख्तर खान है। कहाँ से आते हैं? सेमगढ़ा से। अच्छा, अभी आपके आपके गांव के प्रधान ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया जी, जी। आपने भी भाजपा का सदस्यता ले ली? हमारे यहाँ से तकरीबन कई लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें कार बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे पहले जो है हम सपा में और पीस पार्टी में भी थे, तो अब हमने जो है मतलब भाजपा में ज्वाइन किया है और भाजपा में काम करने का जो है नजरिया और अंदाज को सलाह की और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक बताइए आप लोगों को। आप भी प्रधान जी, आज आप लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है जी, किस चीज़ से प्रभावित होकर आप लोग भाजपा में चले गए? मोदी योगी जी के जन कल्याणी योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई है। इससे पहले आप कौन सी पार्टी? सपा पार्टी। छब्बन खां प्रधान प्रतिनिधि सेनगढ़ा जी। आप प्रधान जी प्रधान प्रतिनिधि गुणाधार नहीं हूँ। क्या महसूस हो रहा है भाजपा में आपके? बहुत खुशी की बात है कि आज हम भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं से हम लोग इतने लाभान्वित हैं, इतने कल्याण
सारी योजनाएं हैं, छोटे से छोटे वर्गों तक सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने सभी मिलकर के सभी लोगों ने ठाना कि हम लोग अब भाजपा से जुड़े हैं। इससे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे आप लोग? समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए हैं। समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है, सिर्फ धोखा दे रही है सारी पार्टियाँ। तो प्रधान जी, आप इससे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए? बसपा से। बसपा छोड़ करके आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया? अच्छा, क्या क्या चीज़ आपको प्रभावित कर रही है कि भाजपा में जाना चाहिए? भाजपा में ज्वाइन करने से हमको लाभ, हमारी जनता को भी और हमको भी, सबको भी बहुत सहायता मिल रही है, जो कि हमारी सारी योजना के लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, हमारी जनता संतुष्ट। कौन से गांव से आते हैं आप? मुझनिया। ठीक, आप प्रधान जी बताइए, इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? समाजवादी। समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा आपने ज्वाइन किया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्यों ज्वाइन किया है आपने, किस चीज़ से प्रभावित हुए हैं? दलाली मक्कारी होता है, मैं बढ़िया है। किस में दलाली मक्कारी होता है? सपा में। समाजवादी पार्टी में। जनता पार्टी के तत्वाधान में माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको जोड़ते हुए इस देश के मुखिया जो कदम से कदम आगे बढ़ा करके भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, और हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यही जन्मा, यही पढ़ा, यही राजनीति और बिजनेस किया, और जितने भी लोग हैं इन लोगों से हमारा आंतरिक जुड़ाव हमेशा से लगा रहा। हम कभी नहीं सोचे कि ये लोग किसी दल के हैं, किसी दल के हों तो भी अगर जनता ने मौका दिया, सरकार हमारी है तो सबका काम करना चाहिए, सबको साथ जुड़ करके चलना चाहिए। इस अवसर पर आज प्रधान कोला भार मजगवा, प्रधान कुंडी दीगर, प्रधान समगड़ा और प्रधान महादेव जगदीश और तीन चार हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। मैं खास करके क्षेत्र पंचायत सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से ऋणी और आभारी हूँ कि लगातार तीन बार से हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे दलित हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, लगातार जब प्रचंड बहुमत की सरकार बसपा की बनी थी उस समय इन लोगों ने मेरा साथ दिया था, ब्लॉक प्रमुखी में भारी मतों से जिताया था। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बावजूद उसके पूरे जनपद में कहीं चुनाव नहीं हुआ, सब सपा के खाते में गई, मंडल में गया, लेकिन यहाँ के ये लोग बिना किसी भेदभाव के 16 में भी ब्लॉक प्रमुख बनाए। 2021 में तो चलिए अपनी सरकार है, पूरे जिले में विरोध हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाएं हम लोगों से जुड़ी हुई थी। और कोई ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में मोदी जी की योजना ना पहुंची हो, कोई ना कोई योजना, जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, गैस कनेक्शन मिला हो, बिजली मिली हो, आयुष्मान कार्ड मिला हो और किसान सम्मान निधि मिला हो, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में मोदी जी की योजना न गई हो। और जो विरोधी ताकतें थी, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट हथियाने के लिए जनता को खूब बेवकूफ बनाया, लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग हम लोगों को केवल अलगाव बात कर रहे हैं। और जितनी सरकारें थी, क्या पहले खजाना नहीं था कि पहले ये विकास करना चाहते तो ना होता? लेकिन आज विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो छोटे छोटे दल अपना, प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपना दल बनाए और वोट बैंक की राजनीति करते, जनता ने मन बना लिया है। आज इस अवसर पर 78 लोग हमारे विकास खंड इकोना से समाजवादी और बसपा और कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध होकर के भारतीय जनता परिवार, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन लोगों ने जो मन बना करके
और उस परिवार में प्रवेश किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और यह वादा करता हूं कि जितने लोग हमारे साथ आए हैं इनके हर दुख सुख में हमारी पार्टी, हमारा संगठन और हम स्वयं उनके साथ खड़े मिलेंगे। आज इस अवसर पर हमारे जनपद के प्रभारी परम आदरणीय सुनायक वर्मा जी के नेतृत्व में अपने कुशल नेतृत्वकर्ता जिला अध्यक्ष भाई उदय प्रकाश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, जिले के महामंत्री दिवाकर शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण नगर राकेश प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में और गिलौला के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई प्रकाश चंद जी के नेतृत्व में इन लोगों ने जो ज्वाइन किया है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शपथ तो माननीय प्रभारी जी ने करा ही दिया, लेकिन अब जरा आप लोग एक बात छोटी सी बताऊंगा। मैं बूथ अध्यक्ष था जब जनपद बहराइच हुआ करता था और आज मैं विधायक हूँ। गिलौला के प्रमुख खड़े हुए हैं, मुझसे पूछ लीजिए, इनको बुला करके मैंने कहा तुमको प्रमुख बना रहा हूँ, पूछिए कितना रुपया खर्चा किया। भारतीय जनता पार्टी का आज परिवार पूरे अवध क्षेत्र में बहुत से साथी जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आपके श्रावस्ती जनपद के यशस्वी विधायक जिनके नेतृत्व में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार किया है, ऐसे हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय रामकरण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, और जो भी हम लोगों के बीच में संचालन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय श्री दिवाकर शुक्ला जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और आप श्रावस्ती विधानसभा के विभिन्न गांवों, क्षेत्रों, नगरपालिका टाउन एरिया से आए हुए जो इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रेरित होकर के, माननीय योगी जी के कार्यों से प्रेरित होकर के और अपने क्षेत्र के अपने विधायक से, अपने अध्यक्ष महामंत्री, इन लोगों से प्रेरित होकर के आप दूसरे दलों को, दूसरे जो आज आपके लिए पराया घर हो चुका है उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा परिवार आप लोगों को हमेशा सम्मान देगा, आपको उचित स्थान देगा। हमें ये आशा और विश्वास है कि आप लोग भी अब आज से हमारे परिवार में एक भाई के रूप में, आप परिवार के सदस्य के रूप में आप काम करोगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जिस भावना से पार्टी काम कर रही है, उस भावना से आप लोग भी जुड़ करके अपने को और क्षेत्र को लाभान्वित करोगे, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आपको जैसे अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रही है, उसी तरह आपको भी सम्मान देगी। क्योंकि मुझे अन्य कार्यक्रमों में जाना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक आप लोग मेरे साथ एक शपथ लोगे और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं जो बोलूंगा उसी को आपको दोहराना है। हम शपथ लेते हैं कि आज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में परिवार के रूप में
काम करेंगे, भविष्य में पार्टी के द्वारा जो भी काम हमें दिए जाएंगे हम उसको निजी अपना कार्य समझकर समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। एक अनुशासित परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।